अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आपको हमारे गुरशेड के पूरा गुरशेड कैसा है दिखाने वाला हूँ। देखो, ईद मिलादुन्नबी की तैयारी कैसे करते हैं हमारे गुरशेड में। देखो, शुरुआत हमारी मस्जिद मीना, और मक्का मदीना रखते हैं इधर, और उसकी तैयारी चल रही है। और मेरी गायकवाड, और ये हमारा मदरसा है सिराजुल उलूम गुरशेड कॉलोनी। और ये हमारा गुरशेड का झंडे का झाड़, यहाँ झंडे चढ़ाए जाते हैं हर जुम्मा। और जुम्मा फातिहा होता है, और पीर के दिन भी होता है सोनू जाफर की कुदन से। और लाइटिंग पूरी सवारी है HMS साउंड सिस्टम्स जानिब से बाबूदा। देखो कितना प्यारा नज़ारा है हमारा गुरशेड कॉलोनी का। अभी तैयारी हो रहा है, कल मचाएंगे पूरे लोग। मान के पकड़ ले आगे। जो चांदनी गुरशेड कॉलोनी से उठाई जाती है उसकी तैयारी अभी शुरू होने वाली है। ये नज़ारा है उसका। दीपू इनका नाम है जो बैनर बनाते हैं। जो गुरशेड कॉलोनी में जश्न मिलादुन्नबी मनाया जाता है, एक दिन पहले गुरशेड कॉलोनी में सबसे बड़ा झंडा चढ़ाया जाता है गौसे आज़म दस्तगीर का नाम से। फातिहा खानी अभी शुरू होने वाली है, उसका नज़ारा भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये जहाँ चीज है क्या लोहा खलम करे हर साल की तरह जश्न मिलादुन्नबी गुरशेड कॉलोनी में बहुत अंदाजा से मनाती है। पहला दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से चांदनी मनाती है। दूसरे दिन खाना पूरे एरिया की खाना भी खिलाती। शाम को आपको मगरिब की नमाज के बाद फातिहा खानी फ्रूट सभी लोगों हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से फातिहा खानी होती है। और तीसरे दिन को ख्वाजा गरीबुल नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर, उनकी यहाँ में एक अजमेर की दरगाह भी एक ये ले लगी, वो ख्वाजा की छठी भी मनाती। और समा ईद कर को बोले तो ईद मिला समान के तो आज झंडा भी चढ़ाती है। झंडे को पूरा रेडी कर ले रही पूरे अपना बड़ा तो देखो तुम्हें। ये है झंडा जो मैंने तुमको बताया था पहले। पब्लिक कितनी जमा हुई है। जो अजमेर की दरगाह मैंने आपको बोला था वो यही है उसका नज़ारा। अभी तैयारी चल रही है। देखो पूरी तैयारी चल रही है, मेहनत बहुत लग रही है। हाँ देखो जा रहे सामने रहे। Ha 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 ha!